खड़ी की टिक टॉक रुक चुकी है। थलापति विजय की लियो की सिनेमा घरों में एंट्री करवा दी गई है और दुनिया भर में लियो के नाम का डंका बजना भी शुरू हो गया है। जी हां, आज 19 अक्टूबर को थलापति विजय और संजय दत्त की इस फिल्म की परीक्षा है जनता के सामने और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने की। फिल्म को रिलीज हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो शोज ही अभी निकले होंगे। तीसरा शो खत्म हो उससे पहले ही हम आपको फिल्म का एक क्विक रिव्यू दे देते हैं कि आखिर लोकेश कनकराज की ये धांसू फिल्म असल में कितनी तगड़ी है और या फिर जो ये बज है वो ऐव ही बना हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसी है फिल्म की कहानी? लियो की कहानी एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है। पार्थिबान यानी थलापति विजय अपनी पत्नी सत्या उर्फ त्रिशा और दो बच्चों के साथ हिमाचल प्रदेश में रहता है। पार्थिबान की हिमाचल में एक छोटी सी कॉफी शॉप है जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाता है और परिवार के साथ काफी खुश रहता है। हालांकि उसकी खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। कुछ लोगों से हुई मारपीट की वजह से पार्थिबान पूरे हिमाचल में मशहूर हो जाता है। तभी एंटोनी दास यानी संजय दत्त और हरोल्ड दास उर्फ अर्जुन की नजर पार्थिबान पर पड़ती है। पार्थिबान के एक्शन उन्हें उनके पुराने दुश्मन लियो दास की याद दिलाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पार्थिबान कौन है और उसका लियो दास से क्या कनेक्शन है? एंटोनी पार्थिबान और उसके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है? क्या पार्थिबान सभी मुश्किलों से लड़ने में कामयाब होता है या उसका हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर जाता है? इन सभी अधूरे सवालों के जवाब के लिए आपको अपनी टिकट बुक करवानी होगी और थिएटर का रुख करना होगा। कैसी है एक्टिंग? थलापति विजय इस तरह के रोल प्ले करने में बहुत सहज यानी कि कंफर्टेबल और सफिशिएंट है, इसलिए वो जो करते हैं उसमें काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहीं त्रिशा का कहानी में ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, ना ही वो थलापति विजय के किरदार की जिंदगी में कोई ज्यादा वैल्यू जोड़ पाती है। बात करें अर्जुन और संजय दत्त की तो दोनों को काफी कम रोल और स्क्रीन स्पेस मिला है। दोनों की एक्टिंग काफी मजेदार है लेकिन उन्हें ज्यादा देखने की चाह हर किसी शख्स के दिल में जगेगी। दूसरी तरफ सैंडी मास्टर अपने पागलपन सीरियल किलर वाले अवतार के साथ फिल्म में काफी डिजायर पैदा करते हैं। अगर ये कहा जाए कि उन्हें आखिर तक मुख्य खलनायक बने रहना चाहिए था तो गलत नहीं होगा। डायरेक्शन एंड म्यूजिक। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो मूवी को देखने में आपको मजा तो आएगा, लेकिन लोकेश कनगराज विक्रम जैसे डायरेक्टर्स के नाम पर इस फिल्म में वो स्ट्रॉन्ग पावर नहीं होगी जो शायद होनी चाहिए। हालांकि डायरेक्शन को इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। म्यूजिक की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र ने नाव बचा ली है। उनके गाने फिल्म में छा गए हैं और पूरी मूवी को एक अलग टच दे रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर लियो फिल्म के ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो फर्स्ट हाफ में कहानी काफी तेजी से भागती है जिसके चलते सेकेंड हाफ में फिल्म खिंचती हुई नजर आती है। फिल्म में लियो के रूप में विजय की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, हालांकि विलन का किरदार थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आता है। लियो की कहानी और स्क्रीन टाइमिंग भी बेमिसाल है, हालांकि लियो से विक्रम या कैथी जैसी अपेक्षा करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। ऐसे में फिल्म को वन टाइम वॉच की फहरिस्त में जरूर रखा जा सकता है। हमारी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।